कोर्ट में अपील लगाएंगे, जेल प्रशासन लगाएगा और उनका नया डेट वारंट जारी होगा। उम्मीद करते हैं कि ये डेट वारंट लास्ट होगा, क्योंकि अब उनके पास कोई सरकारी रेमडी नहीं बची है। बार बार इसलिए फांसी पोस्टपोन हो रही थी कि उनकी सरकारी रेमडी है, तो अब ये लास्ट मर्सी थी, खारिज हो गई। और उम्मीद करते हैं कि जो नया डेट वारंट आएगा वो फाइनल होगा। राम गोविंद जी, उनको मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने पवन गुप्ता की मर्सी रिजेक्ट की। इसका मैं स्वागत करती हूं। जिस तरीके से लॉ के लैकुनाज का बेनिफिट उठाया गया और ये जो दो तीन बार डेथ वारंट पोस्टपोन किया गया, अब उस पर स्टॉप लगेगा और ये जो डेट होगी ये फाइनल डेट होगी। हम एक प्रेस एप्लीकेशन आज मूव कर रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट में कि अगेन नई फ्रेश डेट फिक्स की जाए। अब चारों कन्विक्टेड के राइट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर चुके हैं और कोर्ट प्रॉपर तरीके से एक नई फ्रेश डेट फिक्स करे और वो डेट फाइनल होगी। हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अनथी, लेकिन उन्होंने पर्सनली अटैक किया है, उन्होंने ये अनलीगल किया है, क्योंकि वो अपने मुजरिमों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ रही हूँ, वो झूठ के लिए लड़ रहे हैं, मैं सच के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन उन्होंने पर्सनली हमारे घर पे परिवार पे अटैक किया। मैंने ये नहीं रखता है कि हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है, उनका बेटा AOS में है या उनकी माँ का क्या कर रही है, मैंने ये रखता है कि केस क्या है। मैं एक सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ जो हमारी बेटी के साथ 7 साल पहले हुआ था, लेकिन वो उन्होंने मुजरिमों को बचाने के लिए 1000 झूठ बोला। बाहर इतना बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई सबको पता है।